गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.4. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. इन फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज गिवन दैट स्टेट वेदर द ट्रू एंड फॉल्स. आपको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स. यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द वट इज ही इज़ आस्किंग अबाउट इन द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ही इज़ आस्किंग ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. तो फर्स्ट यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, देन यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, देन यू कैन ईजिली कंपेयर बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. तो प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. मैंने कहा फॉल्स है, बट वाई? द रेक्टेंगल इज स्क्वायर. बट स्क्वायर जैसे ये आपकी रेक्टेंगल है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वट आर द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बट स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अगर मैं एक ही प्रॉपर्टी कह रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही है, इट मीन्स वो पॉसिबल नहीं हो सकता. तो आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ ली कि रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, तो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता. बट स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है. कैसे? स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल हैं, बट साथ साथ में अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हैं. तो स्क्वायर वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जो रेक्टेंगल की होती हैं. तो देखो, ये मैं यही बता रही हूँ कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकती, बट स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट मैंने डायरेक्ट सी लिया है, उसमें ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. तो आपसे ये पूछा हुआ है कि जो सभी स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस तो होते ही हैं, और साथ साथ क्या होते हैं? रेक्टेंगल. देखो, ये चीज़ तो हमने यही क्लियर कर दी कि जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल होते हैं. तो ये तो ट्रू है. बट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. देखो प्रॉपर्टी सुनो, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर की हर साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. हर एक एंगल क्या होता है? एवरी एंगल इज 90 होता है. और डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली. अब रोम्बस पे आ जाओ. जो रोम्बस होता है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मीन्स पहली प्रॉपर्टी मैच हो गई. इन दोनों का सम क्या होता है? 180. इन दोनों का सम भी 180. अच्छा, अपोजिट एंगल्स आर, जैसे आपका ये गिवन है, अपोजिट एंगल अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, तो ये प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई. इसके भी डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली. इट मीन्स जो भी स्क्वायर है वो रोम्बस, उसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. बट अपोजिट इज नॉट पॉसिबल. रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता. स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बताई. रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, बट स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, बट स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है. यहाँ मैंने बताया कि जो स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकता है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, कई बार रोम्बस में क्या होता है कि ये एंगल आपका मान लिया 60 है, बट ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा. जबकि आपके स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी कि ईच एंगल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए. तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है कि ज़रूरी नहीं कि उसका एवरी एंगल क्या हो? 90 हो. वो 120 और 60 भी हो सकता है. अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. तो रोम्बस एक भी प्रॉपर्टी अगर स्क्वायर की सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता. इन द बी पार्ट इज गिवन दैट ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. जितने भी रोम्बसेस हैं वो पैरेललोग्राम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिकॉज जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. बट द पैरेललोग्राम इज रोम्बस नॉट पॉसिबल. देखो, रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे. इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 है. पैरेललोग्राम में भी इस एंगल का सम 180 होना चाहिए. डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी. तो रोम्बस तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, बट द पैरेललोग्राम इज नॉट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. सो रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट पैरेललोग्राम रोम्बस होगा ये ट्रू नहीं हो सकता. इन द पार्ट डी गिवन दैट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, दिस इज फॉल्स. जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे ही होंगे. वाई? बिकॉज देखो, स्क्वायर अपोजिट साइड्स, तो ऑल साइड्स इक्वल, इट मीन्स अपोजिट साइड्स भी इक्वल. इन दोनों का सम स्क्वायर के 90 होते हैं, तो 180 होता है. इन दोनों का सम भी
180, इन दोनों का सम भी 180 और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं तो स्क्वायर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे पैरेललोग्राम्स होते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, गिवन दैट ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अब प्रॉपर्टीज आ रहा हूँ काइट्स पे, वट आर द काइट्स। देखो ये आपका काइट्स, मैंने पहले भी प्रॉपर्टी बताई थी आपको काइट्स की, दिस इज काइट। काइट में आपका क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये आपके आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये वाई है तो ये भी वाई है। अब क्वेश्चन में पूछो, क्वेश्चन इज गिवन दैट ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, दिस इज फॉल्स। बिकॉज देखो काइट में एडजेसेंट साइड्स ओनली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की ही नहीं काइट ने, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट में कहते हैं कि ऑल रोम्बसेस आर काइट, दिस इज ट्रू, बिकॉज ये आपका रोम्बस हुआ। रोम्बस के जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो आपकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो गई। तो देखो काइट में ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हैं। इसके अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो इसके भी अपोजिट एंगल हैं। देखो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बट ऑल रोम्बसेस आर काइट, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो प्रॉपर्टीज अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। अब आपको ट्रेपीजियम का मैंने बताया था कि सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होनी चाहिए, बाकी दो हो या ना हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड है तो वो तो ट्रेपीजियम होगी होगी, बट ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें पैरेललोग्राम में दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, बट ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर ऑफ, देखो वन हो गई तो हम उसको ट्रेपीजियम कह देते हैं। तो पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है, बट ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज स्क्वायर में भी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। आपको तो ट्रेपीजियम के लिए एक पैरेलल ही, तो सब भी पैरेलल्स हैं। देखो इसका 90 है, ये भी 90 है, तो देखो सम दो लाइन ये आपस में पैरेलल हो गई, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। तो ये अगर एक भी आप पेयर पैरेलल दिखा देते हो देन ट्रेपीजियम बन जाते हो, और इसमें तो दोनों के दोनों क्या हैं, आपके पैरेलल हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपको दो ऐसी क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिनकी चार साइड्स इक्वल हों। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, रोम्बस है, स्क्वायर है, इनके ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं लिया, क्योंकि रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ट्रेपीजियम में भी पॉसिबल नहीं है। तो बट दो शेप आपको पता है कि रोम्बस और स्क्वायर दो ऐसी शेप हैं जिनकी ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड पार्ट में कहते हैं कि फोर राइट एंगल्स, तो दो ही शेप हैं, एक आपका स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, रोम्बस में भी ये केस चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एवरी एंगल इज़ राइट एंगल। तो दो शेप गिवन है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिनके फोर राइट एंगल्स होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में भी एवरी एंगल इज़ 90 एंड रेक्टेंगल में भी एवरी एंगल इज़ 90। इन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज़ ए क्वाड्रिलेटर। देखो स्क्वायर, पहले स्क्वायर राइट कर लो, दिस इज़ योर स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल है, इट मीन स्क्वायर में फोर साइड हैं, यस क्वाड्रिलेटरल है। ए पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। देखो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जब सभी साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स ऑब्वियसली इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब आपको पता है कि एवरी एंगल इज 90 तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, 90। एडजेसेंट एंगल का सम 180, 90 90 180। देखो तो आपकी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पैरेललोग्राम भी है। ए रोम्बस, ऑफकोर्स रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल हैं, और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। ए रेक्टेंगल, यस रेक्टेंगल भी है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसकी तो ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट तो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगी होंगी। तो एक स्क्वायर इन चारों को सेटिस्फाई कर रहा है। स्क्वायर इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए रोम्बस एंड स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। एक प्रॉपर्टी ऐसी ढूंढो जिससे ये इसको सेटिस्फाई ना करे, बट यहाँ इस केस में तो सभी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये सेटिस्फाई कर रहा है।
तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर एंड इक्वल। देखो तीन कंडीशन है, बाइसेक्ट तो किस में करते हैं, पैरेललोग्राम में भी करते हैं, रोम्बस में भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, बट साथ में सेकंड पहली कंडीशन के लिए तो 4 शेप हो गई एंड सेकंड कंडीशन के लिए 2 शेप हो गई, 3 शेप हो गई, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और रोम्बस हो गया। बट इक्वल के लिए हमारे पास कौन सी शेप है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो डायगनल्स आपके क्या होते हैं, नेम द क्वाड्रिलेटर, आपको एक क्वाड्रिलेटर बोले है तो आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल के भी डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी डायगनल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 2 क्वाड्रिलेटरल हैं, एक मैंने रेक्टेंगल लिखी है, सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक डायगनल बड़ा होता है और सेकंड डायगनल छोटा होता है। रोम्बस में भी सेम प्रॉब्लम आएगी आपको, ये रोम्बस ले लो आप, आपने रोम्बस में भी लिया तो एक डायगनल बड़ा होगा और दूसरा डायगनल छोटा होगा। डायगनल इक्वल होंगे किस में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो यू कैन राइट रेक्टेंगल और स्क्वायर एनीवन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो रेक्टेंगल गिवन है जिसकी वर्टेक्स हैं जो जिनको ज्वाइन किया जाता है डायगनल मीट या डायगनल लाई इंटीरियर। इसके जो डायगनल हैं लाई इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी के भी डायगनल इंटीरियर पोजीशन में लाई करते हैं तो इनसाइड जो इनसाइड या इंटीरियर या इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगल, आप इंटीरियर की जगह इनसाइड भी लिख सकते हो, इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगल, तो वो क्या होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होती है। तो सो इट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, आपको एक ए बी सी है राइट एंगल ट्रायंगल, इट मीन्स ये आपका 90 है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल और ओ आपका मिड पॉइंट है इसके अपोजिट जो साइड है, तो मीन्स ओ आपका पॉइंट यहाँ होगा। एक्सप्लेन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसको शो ऑफ करने के लिए हमें या प्रूव करने के लिए थोड़ी सी कंसेशन करनी पड़ेगी, आप इसको एक्सटेंड कर लो। मैंने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे 90 बनाया, इट मीन्स ये एक आपकी क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई। आपने इसको एक्सटेंड कर लिया है और मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन भी कर दिया, तो अब जो आपकी बनी है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। इसको शो करने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए सी किसके इक्वल हो, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल देन ए सी इज इक्वल टू बी डी। रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि जो ए बी सी डी है इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड बी डी और ए सी आपके डायगनल गिवन है। देखो हाउ टू राइट ए सी, ए सी 2 का कॉम्बिनेशन है, ब्रेक हो रखी है, दिस इज ए ओ प्लस ओ सी, तो आप ए सी को क्या राइट कर सकते हो, ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू बी डी को क्या राइट कर सकते हो, दिस इज बी ओ प्लस ओ डी। अब एक चीज़ गिवन है, ओ इज मिड पॉइंट, आपको गिवन है ओ इज मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट। इसका मतलब यह है कि ओ अगर मिड पॉइंट है तो ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के,
तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और देखो बी ओ किसके इक्वल होगा, ओ डी के। यूजिंग दिस आपका अगर ए ओ ओ सी के इक्वल है तो आप ओ सी की जगह क्या राइट कर सकते हो, ओ ए। पुट इन इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट फ्रॉम, आप अगेन राइट करो ए ओ प्लस ओ सी बी ओ प्लस ओ डी। अब आप ओ सी को क्या राइट कर सकते हो, ए ओ, और ओ डी को क्या राइट कर सकते हो, बी ओ, बिकॉज ओ इज मिड पॉइंट। अब देन ए ओ ए ओ आपका दो टू ए ओ हो गया, बी ओ टू बी ओ हो गया, टू से टू आपका कैंसिल हो गया, टू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट आपने शो कर दिया ए ओ किसके इक्वल है, बी ओ के। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब मैं जो ये इक्वेशन है अगेन, जहाँ पे आपने ओ सी को ए ओ पुट किया था, अब मैं ए ओ को क्या पुट कर रही हूँ, ओ सी। अगेन राइट ए ओ ओ सी इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओ डी। अब आप ए ओ को क्या राइट करो, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो आप यहाँ पे ओ सी लिखो, ओ सी। अब बी ओ को क्या राइट करो, ओ डी, क्योंकि दोनों ही केस पॉसिबल हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू ओ सी इज इक्वल टू टू ओ डी। तो यहाँ पे ओ सी किसके इक्वल आ गया, ओ डी के। ओ डी किसके इक्वल है, बी ओ के, तो ओ सी इज इक्वल टू बी ओ, और बी ओ किसके इक्वल है, ए ओ के। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें कैसे शो किया, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाई, रेक्टेंगल में डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगनल्स हमने इक्वल लिए, डायगनल्स को ब्रेक किया, ए सी को मैंने ए ओ प्लस ओ सी लिखा, एंड बी डी को मैंने बी ओ प्लस ओ डी लिखा। देन ओ मेरा मिड पॉइंट गिवन है, तो जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल हो गया, और बी ओ ओ डी को ओ डी के इक्वल हो गया। एक बार हमने ए ओ को ओ सी के इक्वल लिया, और एक बार हमने ओ सी को ओ ए के इक्वल लिया। देन वी हैव शो दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। तो आपने प्रूव किया, दिस इज योर एक्सरसाइज 3.4, एंड नाउ कंप्लीट योर चैप्टर। आई होप यू विल डू इन फेयर नोटबुक। हैव ए गुड डे।